सुर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव। जय जय जी गणराज विद्या सुख दाता धन्य तुम्हारो दर्शन श्री राम तो आपने ये तस्वीरें देखी, सलमान खान का पूरा परिवार जब गणपति की पूजा में शामिल हुआ, सलमान अपने भाई बहन और बच्चों के साथ गणपति उत्सव का जश्न मनाते दिखे। इतना ही नहीं, सलमान ने पूजा के बाद ढोल की थापों पर नाचकर भी दिखाया। तस्वीरों में आपने देखा है किस तरीके से पूरा खान परिवार मिलजुल कर जश्न मना रहा है। सलमान के परिवार के अलावा दूसरे सितारे भी इस पूजा में शामिल हुए। निर्माता निर्देशक सुभाष घई और अभिनेत्री हुमा कुरैशी भी सलमान के घर गणपति पूजा के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पे पूरा खान परिवार यहाँ पे पूजा में शामिल हुआ और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं गणपति के आगमन और फिर उनके विसर्जन पर किस तरीके से ये जश्न की तस्वीरें, ढोल नगाड़ों की थाप पर हर कोई नाचता गाता। और अब आपको दिखाते हैं शिल्पा शेट्टी की गणपति वंदना। शिल्पा शेट्टी ने अपने घर पर स्थापित डेढ़ दिन के गणपति का विसर्जन किया। इस मौके पर शिल्पा ने नाचते हुए गणपति को विदा किया। Thank you.
और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब बॉलीवुड की तमाम हस्तियां हुई गणेश वंदना में झूमते हुए, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सलमान खान और शिल्पा शेट्टी की, जहां पर एक तरफ आपने देखा सलमान खान का पूरा परिवार गणेश जी की वंदना में, यहां पर ढोल नगाड़ों की थाप पर उनकी पूजा अर्चना करते हुए इस खास मौके को जश्न की ये तस्वीर देता हुआ। वहीं पर शिल्पा शेट्टी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पे अपने पति राज कुंद्रा के साथ, अपनी माता जी के साथ यहां पर शिल्पा ने डेढ़ दिन के गणपति की स्थापना के बाद उनके विसर्जन पर पूरे धूमधाम के साथ उनको विदा किया। जमकर नाची शिल्पा शेट्टी और सलमान खान। उधर राखी सावंत ने भी अपने घर से गणपति को विदा किया। बप्पा की विदाई से पहले राखी ने नाच गाने का पूरा इंतजाम किया था। ढोल नगाड़ों के बीच राखी ने परिवार वालों के साथ जमकर ठुमके लगाए। बप्पा के विसर्जन से पहले वो बच्चों के साथ नाची। ये तस्वीरें आपके सामने। तो ये तस्वीरें आपने देखी राखी सावंत की भी, जब उन्होंने भी डेढ़ दिन के गणपति को स्थापित किया और उसके बाद उनके विसर्जन पर ये धूमधाम से उनको विदाई दी। तो वहीं पर नाना पाटेकर की गणपति पूजा से पूरा बॉलीवुड वाकिफ है। सालों से नाना पाटेकर के घर पर गणेश वंदना, हर साल वो धूमधाम के साथ गणपति की पूजा करते हैं। उन्होंने भी अपने प्यारे बप्पा को विदाई दी। नाना ने खुद गणपति की मूर्ति उठाई। और मुंबई में डेढ़ दिन के गणपति का विसर्जन हो गया है। वर्सोवा में सैकड़ों भक्तों ने बप्पा को विदाई दी। भक्तों की श्रद्धा और जश्न का जायजा लिया हमारे सहयोगी मोहम्मद तारिक ने। हाँ, मैं मुंबई के वर्सोवा इलाके पे, जहाँ पे डेढ़ दिन के गणपति को विसर्जित किया जा रहा है, पूरा वर्सोवा खचाखच भरा हुआ है, जहाँ पे अपने भक्त अपने बप्पा को आखिरी विदाई कर रहे हैं। डेढ़ दिन का आज विसर्जन है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ भर रही है, शाम का वक्त है और धीरे धीरे ये भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक परिवार है जो अपने बप्पा को आखिरी विदाई कर रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, आरती करी जा रही है, अपने बप्पा की आखिरी विदाई दी जा रही है और इसी आरती में लोग प्रसाद दे रहे हैं छोटे छोटे। मैम, पहले तो गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। हमने क्या क्या दुआ मांगी ये तो बता दिए, सबकी दुआएं कबूल होंगी। हमने सभी के लिए, हर भारतीय के लिए शांति, सुख और हैप्पीनेस मांगा है। गणपति बप्पा, एक बार मेरे साथ सारे लोग, गणपति बप्पा। ये कैसा परिवार है कहीं ना कहीं, जो डेढ़ दिन का गणपति रखा है, बहुत सारी दुआएं मांगी हैं, बहुत सारे ख्वाब सजोए हैं और अपने बप्पा को आखिरी विदाई दे रहे हैं। डेढ़ दिन का आज विसर्जन है, उसके बाद 5 दिन 7 दिन और 11 दिन। कैमरामैन अर्जुन के साथ मोहम्मद तारिक, मुंबई IBN 7।